आप आशीर्वाद दीजिए और एक बात सुन लेना मेरी लाडली बहना, ये कांग्रेस ने सब योजना मेरी बंद कर दी थी, संबल बंद, तीर्थ दर्शन बंद, बुजुर्गों तीर्थ दर्शन ही बंद कर दी, कमलनाथ दादा आ गए तो क्या बिगाड़ा था तुम्हारा बुजुर्गों ने, अब हमने तीर्थ दर्शन फिर चालू कर दी, अरे रेल से नहीं अब तो हवाई जहाज से भी हम तीर्थ ले जा रहे हैं, गरीब को भी हवाई जहाज में बैठ जाने दो कमलनाथ, केवल तुम्हारी ठेका हवाई जहाज में बैठने जाएगा, इन्हें सब योजना बंद कर दी, बच्चों के लैपटॉप बंद कर दिए, लड़ुआ के पैसा बंद कर दिए, कफन के भी 5,000 हम देते थे अंतिम संस्कार के गरीबों के, वो कफन भी चोर ले गए कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी, ये हमारा भला नहीं कर सकती, और ये आएगी नहीं, लेकिन धोखे से आ गई तो ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी, सब खत्म हो जाएगा मेरी बहनों, ये बेईमान सब खत्म कर देंगे, और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि भूल के भी कांग्रेस की तरफ नहीं देखना, कमल के फूल की बटन दबाना, भारतीय जनता पार्टी को जिताना, महेंद्र नागेश को अपना विधायक बनाना, मोदी जी के हाथ मजबूत करना, ये निवेदन करने आया हूं। आप बताओ हम लोग कैसी सरकार चला रहे हैं, मैं कैसी सरकार चला रहा हूं, अच्छी की बुरी, तो फिर से ये सरकार बनना चाहिए कि नहीं, तो बनेगी तब जब महेंद्र नागेश चुनाव जीतेंगे, इसलिए महेंद्र को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कमल के फूल के आशीर्वाद दीजिए, मोदी जी को शांत दीजिए और मामा को भी आशीर्वाद दे दो, दोनों हाथ उठा के मैं सिर झुका रहा हूं, आप सबका आशीर्वाद मिल जाए, आइए भारतीय जनता पार्टी को जिताने का हम सब संकल्प लें, मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों मुट्ठी बांधें और भारत माता की जय बोल के हम सब भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लें, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, और लाडली बहने प्यारे भाई निकल पड़ो 10-12 दिन, अरे बैठने खड़े होने दो ना, पुलिस वाली बेटी बिठा काहे को रही है, एक बार सभी खड़े हो जाओ, खड़े होकर संकल्प लो, ठीक है, भारत माता की, और निकल पड़ो अपने घर से, दूसरे भाई बहनों को समझाओ कि भाजपा को वोट देना है ताकि फिर से ये सरकार हमारी कल्याण के काम कर सके, और मेरी जो बुजुर्ग माताएं हैं उनकी पेंशन भी बढ़ाई जाएगी, वो भी चिंता ना करें, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी के आभार के लिए, सम्मानीय जनता जनार्दन के आभार के लिए।